बेसिकली कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहे हैं, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। एंड मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद आप लोग मुझे इसका कोई मतलब इसके ऊपर कोई भी सल्यूशन दे सको या कुछ भी कह सको, जो कि मुझे आई थिंक इस जो मेरी इसको मैं प्रॉब्लम को या क्या कहूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहे हैं। बस मैं इससे बाहर निकालना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो बेसिकली कुछ दिनों से ये हो रहे हैं मेरे साथ, कुछ दिनों से मीन कुछ महीनों से। मैं अगर कहीं पे भी जाती हूँ, इवन मैं कहीं पे अगर ना भी जाऊँ, मैं किसी के साथ बात करती हूँ, सो दैट टाइम मतलब जब बात करना कंप्लीट हो जाती है एंड जब मैं कहीं पे जाती हूँ वहाँ से लौटते वक्त, मुझे ऐसा फील होते हैं कि अगर मैं उस जगह ये कर देती तो शायद ये सही हो जाता, अगर मैं उस जगह ये ना बोलती तो शायद मेरा जो इम्पैक्ट है वहाँ पे ये नहीं हो, मतलब वो नहीं पड़ता, सही इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे कई चीज़ें, किसी के साथ अगर बात कर रही हूँ तो आई फील दैट अगर मैं वापस जाके ये नहीं मतलब उसको ये नहीं बोलती तो शायद मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मतलब और रहता। कहीं पे भी जाओ, शॉप पे, रेस्टोरेंट पे, कोई काम पे या किसी के साथ नॉर्मल बात कर रही हूँ, मेरे मन के अंदर ये बात चलते हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। वैसे आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, इसलिए मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती हूँ इन माई रियल लाइफ। यही बात है, मुझे पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब एक जो रिग्रेट होते हैं ना वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पिचल रहे हैं। वैसे बात कुछ नहीं है, मतलब अगर मैं किसी इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोग कहोगे कि इस यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं हुआ जिसके लिए आप रिग्रेट फील करो, या आप ये बोलता तो मतलब आप ये बोलती तो ये सही रहता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल मुझे छोटी छोटी चीज़ों पर आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसको शायद कन्फ्यूजन ही कहते हैं, एंड लाइक डे बाय डे आई अंडरस्टैंड दैट कि जो होना है लाइफ में वो होके रहेगा। मतलब ये कहूँगी तो आप लोग भी मुझे कहोगे कि आप इतने बातें समझते हो फिर भी आप ऐसे आपके मन के अंदर कन्फ्यूजन्स रहता है। बट पता नहीं, ऐसा मैंने कई जगह पे ये सुना है कि इंसान आपके मतलब अपने लाइफ में जो भी पाते हैं या खोते हैं या मतलब जो भी होता है इंसान के लाइफ में, उनके कर्म की फल ही होते हैं, या पूर्व जन्म की हो या इस जन्म की हो। मुझे मतलब मैं इतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं दे पाऊँगी बिकॉज आई डोंट नो, तो इसके लिए मैं कोई भी उल्टे सीधे चीज़ आप लोगों को नहीं कहूँगी, बस मैंने ये सुना। डे बाय डे आई रियलाइज्ड ऑल्सो कि जो होना है आपके लाइफ में वो होकर ही रहेगा। एंड आप लोगों को क्या बताओ गाइस कि मेरी लाइफ में अगर कुछ कुछ चीज़ें मैं पता नहीं आप लोगों से कैसे कहूँ ये बात, बट दो दिन पहले मेरे साथ ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ कि आई फील दैट कि जो होना है लाइफ में वो होकर ही रहेगा। सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स दैट मेरे साथ जो हो रहा है, या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या ऐसे कई सारे पब्लिक्स हैं जिनके साथ भी मतलब जिसके साथ भी ये सब होते हैं कि कहीं से मतलब कहीं पे जाओ और वहाँ से जब यू आर बैक ऑन योर वे, सो आप लोगों को फील होता है कि यार अगर ये बोल देती तो ये सही रहता, अगर ये देख लेती तो वो सही रहता, तो ऐसा रिग्रेट फील होता है या नहीं, बस मेरे को बताओ कमेंट सेक्शंस में। और क्या, और इसी वीडियो पे नहीं बोलूँगी मैं, मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ रिप्लाई किया जाए उन लोगों को। वैसे मैं टाइप करके तो आप लोगों को रिप्लाई करती ही हूँ, बट इस बार मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूँगी। और क्या, हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के साथ भी होते हैं या नहीं।
सो आज के लिए बाय, अपना ख्याल रखो सब लोग, बाय 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 फॉर टुडे, या इट्स माय लाइन, आई मैं वीडियो में यूज़ करती हूँ बाय फॉर टुडे, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी।